माशाल्लाह नानी की बेटी और दामाद गए थे बेलापुर, जहां से इन्होंने ये बड़ा सा 3 किलो का, उसको बोलते हैं तांबुस, ताम मच्छी बोलते हैं और कोकण में तांबुस बोलते हैं, वो लाए जिसको नानी ने खुद ने काट छाट के, और बेटी माशाल्लाह दूसरे काम से बिजी थी, जो काटते वक्त आपको दिखाया नहीं गया था, काट के धो धा के रखी है। ये झींगा है टाइगर, ये मिला 400 रुपए किलो के हिसाब से, 1200 रुपए का 3 किलो, मगर था ज्यादा पैसे का, मगर बच्ची ने कम करके ले लिया, जिंदा था। और ये है टाइगर झींगा, टाइगर झींगा मिले 500 रुपए किलो में, और एक जिंदा झींगे थे, आने के बाद भी कुदिया लगा रहे थे, अभी वो मर गए। ये झींगा है 700 रुपए किलो में मिले, मगर वहां मिलते हैं 1000 रुपए में, मगर उन्होंने कम करके सब लिया ना, इसलिए कम करके दिए। और ये है माकुल, इसको माकली बोलते हैं कोकनी में, जो मैं धो रही हूँ साफ करके, ये मिली है शायद 300 रुपए की आधा किलो, कुछ ऐसी है हिसाब से, उसका पूरा पता नहीं, मगर बोली 300 रुपए में आधा किलो मिली। ये सब आप देख लो, और इंशाल्लाह आपको इसका वीडियो जाता रहेगा, जो भी पकाऊंगी उस तरीके से। अभी नानी थक गई है, दोपहर का खाना पकाएंगी तो उसका भी वीडियो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफों को खत्म करे, हर घर को हर इंसान को खुश व आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चैनल मैंने बच्चों के तालीम के लिए निकाली हूँ, इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, और आप सबों को दिखाया भी जाता है। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ फिश की थाली। जो फिश मैं बनाऊंगी वो फिश मेरे जैसे नहीं, कोकनी स्टाइल से नहीं, गोहा स्टाइल से बना रही हूँ, जो मैंने होटल में खाई हूँ, जो अपने टेस्ट से अलग टेस्ट है। अपना टेस्ट भी अच्छा और बेहतरीन होता है, और ये भी टेस्ट अलग और अच्छा और बेहतरीन होता है। जो आप देख लो और एक बार बना के देखो, आपको अच्छी लगी तो दोबारा जरूर बनाओ, और आपको इंशाल्लाह अच्छी ही लगेंगी। चलो इसको लगने वाली चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ। चलो, ये बड़े ताम मच्छी का मुंडी है, उसको कोकन में हम डोकुल बोलते हैं। आज डोकला सा हल्दोनी है, अंतल्लेला मावड़ा। ये है कोमट, जिसको जितारा बोलते हैं, उसके हैं टुकड़े। इसको मैं फ्राई करने के लिए मसाला लगाऊंगी, जो भी मसाला लगाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये उसमें जाने वाले मसाले, ये सब मसाले पीसूंगी। ये है खोपड़ा, खोपड़ा है छोटे नारियल का आधा, यानी एक वाटी जो खुर्ची हुई है, आप चाहे तो सूखा भी डाल सकते हो और गीला भी डाल सकते हो। ये है एक दरमियानी साइज का प्याज जो काट के ली हूँ। ये एक छोटी गड्डी लहसुन की है, उससे पाव हिस्से में अदरक है। ये मेरे कोतम्बीर की डंठल है जो मैंने इसमें पीसने ली हूँ, जिसकी खुशबू अच्छी लगती है। एक दरमियानी साइज का टमाटर है, एकदम छोटा भी नहीं एकदम बड़ा भी नहीं, दरमियानी साइज के। ये 3 मिर्ची है, जो न तीखी ज्यादा है न फीकी है, मीडियम साइज की है 3 मिर्ची। आप इस जगह मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हो। और ये मसाले है, ये मसाले हल्दी आधी चम्मच, 2 चुटकी अपने सूखे मेथी का पाउडर, और ये है धनिया पाउडर है 1 चाय की चम्मच। ये आधी चाय की चम्मच है काली मिर्ची पाउडर, ये 1 चाय की चम्मच है बड़ी शब पाउडर, ये आधी चाय की चम्मच है जीरा पाउडर, ये 2 चाय की चम्मच है कश्मीरी और बेडगी घर में पीसी हुई, आप कोई भी उसके बदले लाल मिर्ची ले सकते हो, वो मिर्ची पाउडर है 2 चाय की चम्मच। अब ये सब पीसूंगी, एक जा करूंगी, फिर मैं आगे का आपको दिखा रही हूँ। ये बगैर चिस्के की इमली है, जो 1 टेबल स्पून है। आप इमली खट्टा जैसा आपको चाहे उस हिसाब से लो, और इमली की जगह पर आप कोकम का पानी ले सकते हो,
और अंबोसी डाल सकते हो, इमली डाल सकते हो, कुछ ना हो तो वेनिगर डाल सकते हो, कुछ भी खट्टा डाल सकते हो, और खट्टा ना डाले तो भी टेस्टी लगता है। मेरे पास कोकम का पानी है मगर मैं इमली लेती हूँ क्योंकि मुझे इमली बहुत पसंद है, पिसने में जाएंगी यानी अच्छे से सब एक जा हो जाएगी। ये देखो अपना मसाला पीस के हो गया, सब एक साथ डालिए और पीस लिए। अब इसी मसाले से ले रही हूँ, आप करके देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्राई करने के लिए भी मसाला उसमें जाएगा और चीजें जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अपने मुंडी का मसाला है सब। 1-3 टेबल स्पून ली मैंने मसाला मच्छी तलने के लिए। इसमें नमक जा रहा है, हसबे जायका नमक डालो आपके टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक। फिर भी मैं 1 चाय की चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि मेरे क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक मैं डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 लाल मिर्ची पाउडर की चम्मच, चाय की चम्मच। हाँ, इसमें 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाली। हाँ, इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाली। इसमें डाल रही हूँ 1 अंडा। अंडा अगर आपकी क्वांटिटी कम हो तो आधी डालो। ये मेरा 1 किलो टुकड़े है, 1 किलो नहीं, 800 ग्राम होगी, 200 ग्राम कम, 800 ग्राम टुकड़े हैं मच्छी के। तो मैंने 1 अंडा ली हूँ। आप ज्यादा क्वांटिटी हो तो अंडा ज्यादा लो और कम हो तो कम लो। आप इंशाल्लाह आप एक बार करोगे तो हमेशा करोगे, इतना बेहतरीन है। इसमें जा रहा है थोड़ा सा अपना हरी धनिया। अब इसको एक जा कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा अजवाइन जाएगा, जो होगा 3 चुटकी, जिसका टेस्ट बढ़ता है। अच्छे से अपनी मच्छी लगाऊंगी, मच्छी को मसाला लगाऊंगी और मैरिनेट करने के लिए तलने तक 1-10 मिनट रखे तो भी बस है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो ज्यादा रखो। इसको ऐसे ही मसाला लगा के दिखा रही हूँ। अच्छे से मैंने मसाले लगाई हूँ। अब सब काम होने तक इसे फ्रिज में उठा के रखूंगी, तब तक अपनी मच्छी मैरिनेट भी हो जाएगी। ये मैंने तेल ली हूँ बड़े बड़े 2 चम्मच, आप तेल कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें पहले डालने का करी पत्ता, करी पत्ता ना हो तो छोड़ सकते हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं। इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डाली, अजवाइन के साथ साथ एक सब मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छे से अपन भूनने का कम से कम 5 मिनट। भूनने से मसाले की खुशबू अच्छी निकलती है और प्याज वगैरह का सब कच्चापन खत्म होता है। मगर ये भूनूंगी फास्ट गैस पर। इसमें नमक डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच। मैं अपने क्वांटिटी के और टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ, आप भी अपने क्वांटिटी और टेस्ट के मुताबिक डालो। इसको अच्छे से भूनने का, भूनते वक्त थोड़ा मसाला उड़ाता है तो आप लंबा ऐसा मेरे जैसा लेने का यानी अपने हाथ पे आता नहीं, मगर अच्छे से भूनने से बहुत अपने को टेस्ट अच्छा आता है। देखो मसाले को अच्छे से मैंने 5 मिनट भूनी है। देखो साइड से तेल भी अपना निकल रहा है यानी अपना मसाला खुशबूदार हो गया, जिसकी खुशबू महक रही है। अब मिक्सी में पानी डाली हूँ और इसमें डाल रही हूँ पानी। अब साइड से ऐसा, मेरे बच्चों तुम्हें नहीं पता होगा मगर साइड से कभी भी पानी लगा के लेने का यानी गंदा दिखता नहीं। हाँ, ये देखो अपने मसाले को उबाल आने के बाद फिर उसमें मच्छी डालने की। ये देखो मसाले को उबाल आ रहा है। ये देखो अपने मसाले को अच्छे से उबाल आ गया। अब इसमें डालने की अपनी मच्छी और फिर मीडियम गैस करके उसको पकने रखने का। अच्छे से मच्छी पकने तक कम से कम 15 मिनट, वो भी मीडियम आग पे। अब इस पर ढक्कन मारूंगी और इसे बीच में देखूंगी एक बार, 15 मिनट पकने दूंगी। ये देखो 1 प्याज काटी हूँ, उसमें लौंग डाली हूँ, 4 काली मिर्च डाली हूँ। उसमें आप तेल डालो या देसी घी डालो,
मगर सच बोले तो देसी घी में टेस्ट आता है। इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून देसी घी, क्योंकि 1 किलो चावल की खिचड़ी है। फिर देखो पीली खिचड़ी के लिए मैंने ली हूँ वाटी भर दाल और चावल, ये धो के लूंगी और ये पहले मैं बगाऊंगी। इसको लाल करने की जरूरत नहीं, 1-2-3 मिनट इसको भूनी। अब अपने धोए हुए चावल और दाल जिसको निथोल रही हूँ, ये देखो पानी गिर रहा है उसमें से, अच्छे से धो के लेने की। इसमें दाल और चावल डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक नमक डालो। इसमें डाल रही हूँ 1/2 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से भूनने का, ये भूने ना तो चलता है, पानी गर्म करने रखने का और ऊपर से डालने का। पानी अभी जो डालूंगी वो ठंड डाले तो भी चलता है, गर्म पानी की जरूरत नहीं रहती, अच्छे से अपनी खिचड़ी हो जाती है। अब इसको जरा सा भूनूंगी। इसमें कोकन को, इसमें इसको कोकन में भुनेरी खिचड़ी बोलते हैं। अब मैं सादा पानी डाल रही हूँ, ठंडा यानी सादा, अपने नॉर्मल पानी, नहीं तो तुमको लगेगा ना आंटी फ्रिज का पानी डाली, नहीं मेरे बच्चे सादा पानी अपने। ये देखो इसमें 1 लीटर पूरा पानी गया 1 लीटर चावल के लिए, मगर किस चावल को कम लगता है तो किस चावल को ज्यादा लगता है, आप अपने चावल पुराने नए होंगे उस हिसाब से ले लो। हाँ इस पर ढक्कन डाल के पकने रखूंगी, ध्यान रखने का उबाल आने के बाद अपनी खिचड़ी का पानी नीचे गिरे ना। देखो बीच में ऐसा दाव मारने की, चम्मच मारने का। अब पानी सूखने के बाद नाप का सब है, नमक भी पानी भी सब कुछ, उसको दम पे दूंगी। देखो अपनी मच्छी माशाल्लाह अच्छे से 15 मिनट पक गई मीडियम गैस पे। अब इसमें डाल रही हूँ, होगा तो डालो नहीं तो जरूरत नहीं है डालने की, हरा धनिया घर में हो तो डालो नहीं तो जरूरत नहीं है, अच्छा लगता है। अब इसको बंद करके रख रही हूँ। देखो अपना पानी सूख गया, इसको बारीक गैस के करके रख रही हूँ 4 मिनट तक, और 2-4 मिनट बंद करके रखूंगी फिर परोस के दिखाऊंगी। अब ये देखो इधर अपने मच्छी फ्राई हो रही है, जिसके लिए मैंने तेल गर्म करने रखी है। ये देखो अब मच्छी गर्म करने के लिए पहले करी पत्ता थोड़ा डालो, जिसकी खुशबू अच्छे से निकलती है। उसके साथ ही डाल रही हूँ मच्छी। करी पत्ता धोने के बाद सूखा के लो, यानी अपने ऊपर चिपे उठते नहीं तेल के। अब ये जो मसाला रहा है वो ऊपर से लगाने का, यानी वो मसाला खाने में अच्छा लगता है अपने को। ये देखो रहा हुआ मसाला सब ऊपर से लगा दिया। इसको मीडियम गैस पर अच्छे से घुमा घुमा के फ्राई पर तलने का, यानी पक्की होती है अपनी और टेस्टी होती है। देखने की अपनी नीचे से मच्छी हुई का माशाल्लाह अच्छे से हो गई है, और मीडियम गैस पे तलने की, यानी मच्छी अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी रहती है। हाँ ये देखो सब पलट के हो गई मच्छी। ये देखो अपनी खिचड़ी माशाल्लाह अच्छे से हो गई, वही नमक वही सब कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं लगा। ये अपना सालन माशाल्लाह अच्छे से हो गया, ये अपनी मच्छी भी हो गई। इसका भी गैस बंद करें और आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। देखो अपने अच्छे से चावल हो गए, अब मैं आपको परोस के दिखा रही हूँ सब। ये देखो छोटे छोटे अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अपनी मच्छी की मुंडी माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह अपनी अच्छी सी मच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अपना अच्छे से खाना बन गया, तली हुई मच्छी
उसके साथ मूली का सालन, उसके साथ खिचड़ी और आज पापड़ और अचार और तरकारी, ये नहीं बनी है क्योंकि मेरी बहू को भूख लगी है और वो पहले खाना खा रही है और वो पापड़ और अचार खाती नहीं और तरकारी बनी नहीं है। इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी, बाद में हम खाना खाएंगे। मेरे बहू का खाना बहुत कम है मगर उसे टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा लगता है। चल हिना तू अब बैठ खाना खाने, देखने के लिए बहुत सा शुक्रिया, जजाए खैर, अल्लाह हाफिज। हेलो, कैसे आप? मम्मी के हाथ का सी फूड मुझे बहुत पसंद है तो आज मैं सब खाने वाली हूँ। ये देखिए फिश कितनी बड़ी बड़ी है और ये सालन है। मेरे मुंह पे पानी छूट रहा है। मेरी बहू को ना मेरे हाथ की हर चीज पसंद है। मम्मी के हाथ की सब पसंद है, सारी चीजें पसंद है मुझे।